अस्सलाम वालेकुम जी। कल तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, रात को तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियां हो गई, इन पर थोड़ी सी बात करते हैं जी। अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर एक बड़ी बहादुराना, बड़ी बेबाक और बड़ी जारहाना सी तकरीर है। मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब घर से ये तकरीर लेकर नहीं आए थे, ये तकरीर उन्होंने करनी नहीं थी। जो लग रहा है, जो हालात लग रहे हैं कि उनको शायद शहद पिलाकर उनको स्टेज के ऊपर भेज दिया गया और उन्होंने इस तरह की एक तकरीर कर दी, और वो तकरीर करने के फौरन ही बाद कि आपने देखा कि कुछ टाइम के बाद उनके नंबर भी बंद हो गए, 6-7 घंटे के लिए गायब भी हो गए। वहां से पहले केपी के हाउस इस्लामाबाद आए, फिर यहां से सारा काफिला केपी के हाउस में छोड़कर फिर अली अमीन गंडापुर साहब अकेले गाड़ी ड्राइव करके 6-7 घंटे कहीं चले गए, किसी का कोई रब्ता नहीं। रहनुमाओं ने तश्वीश का इजहार करना शुरू कर दिया कि वो कहाँ है, कोई रब्ता नहीं हो रहा, और खुद ब खुद ही अली अमीन गंडापुर साहब 6-7 घंटे के बाद अकेले वापस आए। और उन्होंने कहा कि जैमर्स की वजह से या किसी वजह से मेरा मोबाइल बंद था और कोई रब्ता इसलिए मेरे से नहीं हो पा रहा था। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब अपने काफिले की सूरत में वापस वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा चले गए। अच्छा, ये तो एक बड़ी अजीब सी मुझे बात लगती है कि अली अमीन गंडापुर साहब को अगर आप देखें तो एक दिन ये कोर कमांडर हाउस जाते हैं, वहां पर उनसे ब्रीफिंग लेते हैं, सारी चीजें लेते हैं, और दूसरे दिन तीसरे दिन ये आकर इस तरह की तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। या तो इसमें उनका ये है कि हम जो है वो आपके सामने आपके हैं, लेकिन मीडिया पर बयानियां बनाने के लिए हमें अपने कारकुनों को भी कुछ दिखाना है, इस तरह की या तो कोई बात है, या फिर अली अमीन गंडापुर को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं और फिर वो जाकर माफी मांगते हैं। अच्छा, इस पर माफियां दीगर रहनुमाओं ने मांगी है, गालबन बैरिस्टर गौर साहब ने, उमर अयूब साहब ने कहा है कि ऐसा कोई मकसद नहीं था हमारी तकरीर का, ये एक सियासी तकरीर होती है, इसमें ऐसी बातें होती रहती हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपने इमरान खान को ना छोड़ा तो हम खुद इमरान खान को लेने के लिए आ जाएंगे। जिसके फिर बाद ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर तुम में हिम्मत है तो अटक पुल क्रॉस करो, हम वहां पर तुम्हारा इंतजार करेंगे, हिम्मत है तो आकर तुम अपने इस जो इमरान खान साहब है अपने लीडर को तुम यहां से ले जाओ। अच्छा, ये सारी तकरीर हो गई, उसके बाद जो रात को गिरफ्तारियां हुई किस वजह से जी, कि जलसे का टाइम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ले लिया गया, या जलसे का जो 7 बजे तक का टाइम था वो टाइम मलहूज़े खातिर नहीं रखा गया, शेर अफजल मरवत दीगर जो इनके लोग हैं, दीगर जो वकील हैं शुएब शाहीन साहब, बैरिस्टर गौर, दीगर लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, बहुत सारे लोग ये तहरीक इंसाफ के लोग शोर में जा रहे हैं कि जी ये गिरफ्तारी हुई है, ऐसे तो पार्लियामेंट का जो है वो आपने तकद्दस का ख्याल नहीं किया, जमहूरियत तो गई अब, और जमहूरियत ये और जमहूरियत वो, तो इस जमहूरियत का जनाजा है, जरा धूम से निकले तो जरा हौसला करें, जरा थोड़ी सी मेहरबानी करें, थोड़ा सा सब्र से काम लें। और ये फुटेजेस देखें जो चल रही हैं, ये उस वक्त तहरीक इंसाफ का दौर था और ये पार्लियामेंट लॉजेस हैं, पार्लियामेंट लॉजेस हैं जहां पर ये जो MNAs हैं, जो लोग हैं पार्लियामेंट के, जो अरकान हैं, वो वहां पर रहते हैं, और वहां से कैसे घसीट कर आपके दौर में निकाला गया था। ये तहरीक गालबन ये जमीयत उलमाए इस्लाम के फजल रहमान साहब के कुछ जमात के रहनुमा हैं, तो इनको किस तरह से उतारा निकाला जा रहा है, ये कोई आलिम है, इनकी पगड़ी आप देखें किस तरह से जमीन पर फेंकी जा रही है, और ये कोई पहली दफा नहीं है। आप देखें कि तहरीक इंसाफ ने जो जो किया है आज उनको मनो अन वो चीजें भुगतना पड़ रही हैं। कल इन्होंने इस तरह की गिरफ्तारियां की हैं, आज इनको वही जो गिरफ्तारियां हैं वो इनके सामने आ रही हैं, उसी तरह की गिरफ्तारियां इनके सामने आ रही हैं। कल इन्होंने इमरान खान साहब ने कहा है कि जी हम जो जलसों में, नून लीग के जलसों में जो कुर्सियां देगा, जो PDM के जलसों में कुर्सियां देगा बैठने के लिए शुरका को, हम उस पर भी पर्चा करेंगे। ये आप देख सकते हैं साहब, मैं लगा दूंगा अखबार के टुकड़े भी, खान साहब उस वक्त कहा करते थे कि उस पर भी हम पर्चा करेंगे, तो आज वही कुछ हो रहा है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, कल से आप मेरी पोस्ट भी देख सकते हैं, मेरा पेज देख सकते हैं, वहां पर एक चीज वाजे है कि जो पार्लियामेंट के जिस तरह से बेतौकीरी की गई है, पार्लियामेंट के अंदर से जो अरकान को निकाला गया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और जितनी इसकी मजम्मत की जाए ये कम है। मेरा नहीं ख्याल कि पार्लियामेंट के अंदर से इस तरह से लोगों को निकाला जाए। तो जो स्पीकर हैं असेंबली के यार सादिक साहब, उनको चाहिए कि वो इदारों को, पुलिस वालों को, कोई भी इदारा था, चाहे एस्टेब्लिशमेंट थी, फौज थी, उनको ये बावर करवाना चाहिए कि आप इतना, वो पंजाबी में कहते हैं ना, इतनी अंधेरी ना आप डालें कि उसके बाद कोई भी इसमें महफूज ना रहे। तो ये एक बड़े अजीब सा सानिया था, बिल्कुल सानिया था, और इसको सानिया मानना चाहिए कि एक जमहूरी, नाम निहाद ही जमहूरियत सही, लेकिन एक जमहूरी मुल्क में इस तरह का, इस तरह के इकदाम होना इंतहाई नाकाबले
مذمت ہے اور تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ اس وقت بالکل میری ہمدردی یہ موجود ہے اور ان کے ساتھ ہی ہمدردی اس وقت ہونی چاہیے چاہے وہ اپنے دور میں جو کچھ مرضی کرتے رہے ہیں، لیکن اب اس چیز سے ان کو سیکھنا چاہیے، اور اگر دوبارہ ان کو موقع ملے، جو کہ لگ نہیں رہا، لیکن اگر ان کو دوبارہ موقع ملے تو اس چیز سے سیکھنا چاہیے اور ضرور ایسی چیزوں پر عمل درآمد نہ کریں کہ جو آج ان کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اجازت دیجیے اگلے ویلاگ تک کے لیے، اللہ حافظ۔